السلام عليكم فريندز، كيف تمام؟ سب سلام السلام والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद देख चुका है और आज पहली सहरी भी करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो रूम की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, आपको बताऊंगा तो आप शौक हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है फिलहाल रूम की। इतनी ज़्यादा गंदगी वगैरह हो रही है, पूरी हालत ख़राब हो रही है। और फिर उसको चुटकी बजाते हैं और फ्लाक्सेस क्लीन करते हैं। 1 2 3 फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आपके भाई ने पूरा चमका दिया है, पूरा किचन पूरा हाल वगैरह सब सजा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो पूरे एकदम एक नंबर साफ सफाई कर दिए। अभी तो और बहुत सारा काम बाकी है, फिलहाल मुझे खाना बनाना है खुद के लिए और फिर शहरी के लिए भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। अब क्या बनाना चाहिए समझ में नहीं आ रहा, खाने में क्या बनाऊँ आप बताओ। मुझे ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है कच्ची पक्की दाल की, कच्ची पक्की दाल बनाएंगे आज। और चुटकी बजाते के साथ मेरे कपड़े भी बदल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे और कम से कम पूरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैंने कपड़े बदले। इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक तो बनता है। दाल भी धुल गई है और उसको फटाफट बनाते हैं। जब तक दाल बन रहा है तब तक मैं सोचा तब तक रोटी बना लेता हूँ। रोटी बनानी है मुझे फटाफट। जो दिख रहे हैं काले काले अजवाइन है, आप कुछ और मत समझ लेना। और फाइनली आटा गूंथ चुका है। वैसे आपने क्या सोचा था कि चिपकी दाल या दूसरा कुछ और सोचा था, कुछ क्या सोचा था आपने कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फटाफट रोटी बनाते हैं। ये तैयार हो गए रोटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फाइनली रोटी तैयार हो चुकी है भाई, देखो कितनी शानदार लग रही है। वैसे रोटी किस किस को पकाना आती है कमेंट में बताओ। ये भाई फाइनली तैयार हो चुकी है रोटी और फाइनली हमारी सारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये भाई फाइनली हो चुकी है हमारी रोटियां तैयार और अब दाल पकाएंगे फटाफट। वैसे अभी तक तो कोई ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है फिलहाल तो। बस A few minutes later. फाइनली भाई देखो बघार बदल चुका है, कितना शानदार दिख रहे हैं और मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह आज खाने में। तो फाइनली भाई बारी है इसको टेस्ट करने की। अब बहुत जोर से भूख लग चुकी है, फटाफट खाना खाता हूँ जल्दी सो जाता हूँ। अपने शहरी में उठने आए तो शहरी में खुल जाए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो 12 बजने में और आप इसको खाते हैं। इसमें लाइन बनाई अलहमदिल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत देर हो जाएगी उसके अंदर चूर लेता हूँ मैं। फाइनली भाई चूर लिया है, अब आएगा इसमें स्वाद तो दाल रोटी। सुबहानअल्लाह बहुत अच्छा है अलहमदिल्ला, मज़ा आ गया चूर लेने का। फाइनली खाना हो चुका है और फिलहाल आ रही है मुझे बहुत जोर से नींद, कल दिन उठना भी है शहरी में भी, तो फिलहाल बिस्तर भी जाना रेडी हुआ है मेरा, बिस्तर भी लग चुका है और अब सोता हूँ और मिलते हैं अब शहरी में। इंशाल्लाह अगर नींद खुली तो नींद मिलेंगे सुबह, क्योंकि अभी मैं नियत करके सोऊंगा वैसे भी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया और फिलहाल सहरी का टाइम हो गया है, सहरी करता हूँ और सहरी करने के बाद सो जाऊंगा मैं और फिर मिलेंगे सुबह। तो फिर जाऊँगा सीधे दुकान पे मैं, सहरी करके नमाज वगैरह पढ़ के सो जाऊँगा। और फाइनली अब दुकान पे जा रहे हैं हम, ससुराल वाले लेने भी आ गए। ये हमारा सोहेल भाई, मैं दुकान वाले लेने आ गए, दुकान खोलने जा रहे हैं हम सीधे। ये आपका भाई का फेवरेट आइटम डेली खाता है, आज इंशाल्लाह इफ्तारी में खाएंगे। हमारा आसिफ भाई की दुकान, आसिफ भाई दुकान खोल रहे हैं, अब हम भी खोलेंगे दुकान। जी खोलिए। कनेक्ट उठा था लेकिन फिर मेरा मतलब तैयारी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने फिर खाली पानी पी लिया और सो गया था। तैयारी करी दुकान खोल चुकी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये रमज़ान की पूरी न्यू स्टॉक आ चुका है हमारे पास, पूरा लंच है, रेडीमेड ड्रेसेस सब आ चुका है और फिलहाल बहुत माल आना भी बाकी है, अभी तो खैर स्टार्टिंग है। फाइनली अभी 11 बज रहे हैं और इंशाल्लाह डायरेक्ट भी मिलेंगे इफ्तारी में, 7 घंटे और इफ्तारी में इंशाल्लाह मिलेंगे उसके बाद ही। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बच चुके हैं 6 और फटाफट इफ्तारी का सामान बुलाते हैं। हमारे सोहेल भाई जाएंगे इफ्तारी का सामान लेने। क्या क्या लाओगे इफ्तारी में? हाँ इंशाल्लाह फिर ये फ्रूट्स वगैरह लाएंगे। फाइनली लीजिए, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी आ चुकी है और फिलहाल टाइम भी हो चुका है, फटाफट अब रोज़ा खोलते हैं। फाइनली अब रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई वाला बरकत दे अल्लाह हमारा रोज़ा खोले अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ऑयली आइटम तो मैं खाता नहीं हूँ, फ्राइड आइटम तो फुल फ्रूट के अलावा, तो बाकी इसके बाद जूस वगैरह पीऊँगा फिर डायरेक्ट खाने ही खाऊंगा। देख रहा साइज चेक करो भाई, कितना छोटा केला है, इसको बोलते हैं हम नेपाली केला।
लेकिन ये शुगर फ्री बोलते हैं इसको शायद, इतना छोटा केला है। और ये टेस्ट खाने के अंदर ही मीठा नहीं, स्वीट नहीं होता है, एकदम नमकीन होता है, ऐसा लगता है नमक डाला हुआ है इसमें, पर ये अच्छा लगता है। इसका जो छिलका होता है वो बहुत बारीक होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और आप सभी को एक बार और फिर रमज़ान मुबारक।